हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली बेसिक इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि आप कैसे पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पेटीएम ने फिलहाल बंद कर रखा है पेटीएम केवाईसी। आप सब किसी दोस्तों से पूछते होंगे तो दोस्तों वो जवाब देता होगा कि पेटीएम केवाईसी बंद है, या फिर आस पड़ोस में पूछते होंगे तो वो भी बताता होगा कि पेटीएम केवाईसी अभी नहीं हो रहा है, बंद हो रखा है। तो दोस्तों, इसी के मतलब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज यानी कि कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले यहाँ पे पेटीएम से चैट किया तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या रिप्लाई आया है और किस तरीके से दोस्तों जो आप अपना पेटीएम केवाईसी कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रेड कलर का बटन, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है व्हाइट कर देना, और साथ में जो ये बेल आइकन आ रहा है दोस्तों, सिंपली उसको भी क्लिक करके यानी कि वाइब्रेट कर देना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको सिंपली इस वीडियो को लाइक कर लेना है, यानी यहाँ से क्लिक करके दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये करने के बाद देखिए दोस्तों, सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो पेटीएम केवाईसी कर सकते हो। और मैं पहले आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो मैंने चैट करा था वहाँ पे, वहाँ से क्या रिप्लाई आया मुझे। तो देखिए दोस्तों, सिंपली आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए आप सिंपली यहाँ पे जो ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सिंपली उन्हें क्या मैसेज किया था, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। सर एक मिनट, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली जो है मैंने यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, सिंपली मैंने यहाँ पे जो है एक मैसेज करा था, सर और मैम, आई एम न्यू यूज़र एंड आई वांट टू नो डैट व्हेन पेटीएम केवाईसी विल स्टार्ट, प्लीज़ रिप्लाई। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया था, ये देखिए दोस्तों, सिंपली आपको देख सकते हो यहाँ पे। तो वहाँ पे सिंपली रिप्लाई आया था अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर करने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई करा था, हाय, बिकम अ फुल केवाईसी यूज़र, यू नीड टू कम्प्लीट इन पर्सन वेरिफिकेशन बाई विजिटिंग आवर नियर केवाईसी सेंटर टू चेक आउट द नियर केवाईसी सेंटर। तो सिंपली उन्होंने चेक करने के लिए कहा था। तो उसके लिए दोस्तों, इन्होंने उन्होंने मुझे यहाँ पे लिंक दिया था, उसके जरिए दोस्तों आप जो है सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आप पेटीएम के अंदर दोस्तों एक मतलब कि वहाँ पे सिंपली पेटीएम के अंदर ये ओपन कर देगा आपको यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको जो है, देखिए दोस्तों थोड़ा टाइम ले रहा है, यहाँ पे वेट वेट कर लें। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये पेज पूरी तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है आपको। दोस्तों मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टाइम ले रहा है तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा आपके सामने। आपको सिंपली यहाँ पे जो ये टाइम ले रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से खुल गया आपके सामने। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे स्टेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको दोस्तों, आप जो आपका कोई भी स्टेट हो, आप सिंपली वहाँ से जो है क्लिक करके आप देख सकते हो। सिंपली आपको स्टेट डाल लेना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना, तो डिस्ट्रिक्ट भी मैं यहाँ पर जो है डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली डाल दिया। उसके बाद सिंपली जो आपको यहाँ पे ये जो दोस्तों यहाँ पे आपको जितना भी केवाईसी सेंटर है यानी कि जो केवाईसी कर रहा है उन सभी का यहाँ पे जो है आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, साथ में दोस्तों वहाँ जो है टाइमिंग भी आपको दिखा देगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लीजिएगा। जैसे कि मैंने डाला तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे भारतीय टेलीकॉम एड्रेस भी मुझे दे दिया है। और सिंपली दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे किस समय ये जो खुला रहता है वहाँ पे जो है यहाँ पे टाइम भी आप सभी को दिखा देता है। जैसे कि मैंने ये सब डाला है दिल्ली एनसीआर नॉर्थ दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे आ गया है 14 दिसंबर 2018 को ये खुला रहेगा, यानी आज मान लीजिए खुला था। तो यहाँ पे दूसरा मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत सारा शॉप आ जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 दिसंबर 2018, यानी कि आज तो है नहीं ये, सिंपली आपको नीचे करते जाना है, करते जाना है दिसंबर दिसंबर। ये देखिए दोस्तों, आपको सिंपली जो यहाँ पे टाइम दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 17 तारीख का भी टाइम है। ये देखिए दोस्तों, 17 तारीख का यहाँ पे जो है दुकान खुला रहेगा 5 से 7 बजे तक। आप तो सिंपली वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वसीम वानी नाम का एक मतलब कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन का यहाँ पे शॉप है। आप सिंपली यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप सिंपली यहाँ पे विजिट करके जो अपना केवाईसी कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है ऑप्शन मतलब कि वो मिल जाता है
शॉप जहाँ पे जो है आप केवाईसी करवा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा अपने हिसाब से डाल दीजिएगा दोस्तों, आपको अपना यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनना है, उसके बाद जो भी आपके नज़दीक में जो है केवाईसी सेंटर रहेगा वो सिंपली आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका टाइमिंग दिख जाएगा, उसका टाइम यानी डेट दिख जाएगा, किस दिन वो खुला रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक, सिंपली आपको वहाँ पर विजिट करना है, उसके बाद आप जो है सिंपली आप केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप सबको दिखा दिया कि मैंने पेटीएम केयर से बात किया था, उन्होंने जो मुझे यहाँ पे बताया मैंने आप सभी को सिंपली यहाँ जो है बता दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वहाँ पे विजिट करते हो तो आपका 101% जो है केवाईसी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप आप सभी को जो मैंने यहाँ पे जो बताया वो आप सभी के समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए, और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, आपके दोस्तों को भी इससे लाभ हो सकता है दोस्तों इस वीडियो से। और दोस्तों आपके मन में कुछ भी हो, आपने दिल की बात जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो दोस्तों, कुछ भी जो भी आपको जैसा भी लगा हो वीडियो को बताइएगा। खराब लगा हो तो दोस्तों बता दीजिएगा कि क्या आपको इस वीडियो के अंदर खराब लगा है, मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, बाय बाय दोस्तों।